नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप की बरामद। अमृतसर के थाना बी डिवीजन क्षेत्र में अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटों में सुलझाया, एक नाबालिग को किया गिरफ्तार। अमृतसर के थाना छेरटा की पुलिस ने गत दिनों डिलीवरी बॉय से लूट करने वाले दो आरोपियों को किया काबू। एक 32 बोर की पिस्तौल, 5 जिंदा रौंद, 6800 रुपयों की नकदी और एक मोटरसाइकिल किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप को बरामद किया है। तो वहीं इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने बताया कि सीएए स्टाफ की पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि सीआईए की टीम ने 48 किलो हेरोइन, 21 लाख की ड्रग मनी, एक नोट गिनने की मशीन और 3 हाईटेक वाहनों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सतनाम व दामाद हरदीप और बेटी अमन के रूप में हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना एक की पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि 6 माह पहले 30 किलो हेरोइन बरामद की गई। इस दौरान नवप्रीत नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 5 लाख की ड्रग मनी बरामद की गई थी। ये तार भी उसी से जुड़े हुए हैं। तो वहीं उन्होंने बताया कि इस मामले में सप्लाई करने वाले साथी की पहचान हो गई है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। 6 महीने पहला रामबन पुलिस जे एंड के पुलिस ने 30 किलो हिरन फड़ी गई थी, इन्होंने इंटरसेप्ट की थी। उसके विचों एक व्यक्ति मनप्रीत नाम का व्यक्ति गिरफ्तार होया सी, फगवाड़े का रहने वाला सीगा, ओरिजिनली बंगे का सीगा। उस तो ड्रग मनी 5 करोड़ के करीब जे एंड के पुलिस ने रिकवर किया सीगा। एक तो वह कड़ी है, दूजी कड़ी है अज तो 2 साल पहला एक खेप जिहड़ी सीगी स्पेशल सैल दिल्ली ने 350 किलो वो फड़ी सीगी। तो बैकग्राउंड इहदा है, नवदीप करके नवप्रीत करके एक मुंडा है जिहड़ा टर्की च बैठा है, इज़ द मास्टर माइंड। उदे लिंक्स जिहड़े हैं बाकी अलग अलग कंट्रीज़ दे देशां दे जिहड़े ड्रग स्मगलर्स हैं, जिवें ईरान हो गया, टर्की खुद हो गया, कैनेडा हो गया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, उन्हां दे नाल है। तो यह वड्डी मात्रा च होलसेल टाइप की जिहड़ी रिकवरी हुई है। तो 3 बंदे फड़े गए हैं, जिहड़े बंदे फड़े गए हैं उन्हां च आपस रिश्तेदार है। एक खेप जिहड़ी 8 किलो की है, वह खेप जिहड़ा रूट सीगा दैट वॉज फ्रॉम जे एंड के। दूजा जिहड़ी 40 किलो की है, उहदा जिहड़ा रूट सीगा दैट वॉज फ्रॉम गुजरात। हुण इत्थे की कर रहे सीगे, कई बार इदा हुंदा है कि इन्हां नूं ट्रांजिट रूट्स नहीं मिलते हैं, ते अगर खेप वड्डी हो तो उन्हों छुपाउण दा इन्हां नूं जगह चाहीदी हुंदी है, ते उह छुपाई हुई सीगी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन च इह आया है कि इह जिहड़ी खेप है इकट्ठे करके ये कैनेडा या यूरोपियन कंट्री से जानी सी, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आया। तो खेप जी दोनों खेपा जी आई सी इन्हों की लार्ज क्वानटिटी होर भी सी, वह भी लोग अपना काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई कर लिया, इन्हों का मोटस ऑपरेंडी सानू पता लग गया। अमृतसर पुलिस ने गत दिनों थाना बी डिवीजन के अधीन आते इलाके की एक घर भी एक महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को 24 घंटों में हल करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गत दिनों थाना बी डिवीजन के इलाके की एक घर में अकेली रह रही महिला हरप्रीत कौर का कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस कत्ल का मुख्य आरोपी नाबालिग है और ये नाबालिग लड़का मृतका हरप्रीत कौर के पास ट्यूशन पढ़ता था। उन्होंने बताया कि मृतका हरप्रीत कौर काफ़ी दानी महिला थी जो लोगों की सेवा भी करती थी। वहीं उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़की को पता था कि हरप्रीत कौर अपने पैसे कहाँ रखती है। उसने देखा कि हरप्रीत कौर घर में नहीं है तो उसने पैसे चोरी करने की कोशिश की। इस दौरान जब हरप्रीत कौर घर आ गई तो लड़के ने देखा कि महिला ने उसे पहचान लिया है, जिसके चलते नाबालिग लड़की ने अपनी पहचान छुपाने के बदले हरप्रीत कौर पर चाकू से कई वार किए और उसका कत्ल कर दिया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस नाबालिग लड़की को काबू किया तो
तो पता चला कि गत दिनों थाना बी डिवीजन की एक दुकान में 6 लाख रुपयों की चोरी हुई थी, जो कि इसी लड़के ने की थी। तो वहीं एक और सनसनीखेज खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि इस नाबालिग लड़के ने एक 8 वर्ष की लड़की का रेप भी किया था, लेकिन अदालत में गवाह ना होने के कारण ये बरी हो गया था, जो कि इसने कबूल किया है। तो वहीं उन्होंने इस मामले को हल करने में थाना बी डिवीजन की टीम व उच्च अधिकारियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उन्हें प्रशंसा पत्र भी दिए जाएंगे, जिन्होंने ये कत्ल की गुत्थी 24 घंटों में सुलझा दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। क्राइम अगेंस्ट उसे तहत साढ़े एक बड़ा सेंसेशनल मर्डर होया सी बी डिवीजन दे एरिया दे विच मिती 28 तरीक नूं, और एक लेडी जिहड़े हरप्रीत कौर ने वह कल्ले रहिंदे सीगे और उन्हां दा डेड बॉडी मिली सी अपने ही घर दे विच। चाकू दे काफ़ी सारे वार सीगे उन्हां दे उत्ते, गर्दन दे उत्ते। इमीजिएटली सारे पुलिस ऑफिसर्स मौके ते असीं पहुंचे ते जाके सारे जिहड़े प्रोफेशनल तौर ते उहनूं इन्वेस्टिगेशन शुरू कीती, और विद इन 24 घंटे तो पहला ही असी जिहड़ा मेन मुलजम है, इक्को मुलजम उहदे च फिगर होया, वह जुविनाइल, उहदा नाम नहीं तुहाडे नाल शेयर कर सकदे, ते इह उह मुलजम नूं असी गिरफ्तार करके जिहड़ा ये वेपन ऑफ ऑफेंस है जिहड़ी छुरी है वह भी बरामद कीती गई है। अमृतसर के थाना छरटा की पुलिस ने गत दिनों एक डिलीवरी बॉय से लूट करने वाले दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी सुखपाल सिंह ने बताया कि गत दिनों एक डिलीवरी बॉय से पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उक्त दोनों आरोपियों को काबू कर लिया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुरजीत सिंह उर्फ गोल्डी और बचन पाल सिंह उर्फ बचन के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक 32 बोर का पिस्तौल, 5 जिंदा रौंद, वारदात में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल और लूट के 6800 रुपए भी बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की नकदी गन पॉइंट ते खो के लै गए सीगे। इन्हूं डुंगाई दे नाल तफ्तीश करते हुए इहदे संबंध विच एफआईआर नंबर 71-379-20 छाटा च दर्ज की गई, और उहदी इन्वेस्टिगेशन दे दौरान जिहड़े है दो व्यक्ति सुरजीत सिंह एलियस गोल्डी जिहड़ा कि नारायणगढ़ दा रहण वाला है, अते बचन सिंह सन ऑफ अमरीक सिंह जिहड़ा कि माना वाला हुण बासर के गिल्ला पिंड च रहिंदा, ये दोनों जिहड़े है इह दोनों फिगर होए। इन्हां दोनों नूं अरैसट किया गया। इन्हां दे कोल इक 32 बोर जिहड़ा वा 32 बोर का लाइसेंसी पिस्टल बरामद किया गया, नाल 5 जिंदा रौंद, एक जिहड़ा बैग है जिहड़ा खोया सीगा, वह बैग विद जिहड़ी है 6800 रुपया जी रिकवरी इन्हों को बरामद की गई है। तो मोटरसाइकिल डिस्कवर जोड़ा इन्होंने वो वरत्या से भी बरामद कर लिया गया। वो लाइसेंसी रिवॉल्वर से जी, लाइसेंसी रिवॉल्वर से वो बचन सिंह अमरीक सिंह के नाते लाइसेंस है जी। वो असं सारा अजय इन्वैसटीगेट कर रहे हैं जी, इन्हों का रिमांड लैके इन्वैसटीगेट कर रहे हैं, जो होर आएगा। तो यदा जोड़ा यदा सुरजीत सिंह है गोल्डी, इतने पहले भी परचे केस रजिस्टर ने, तो यहाँ वा फस्ट टाइमर है बचन पाल जोड़ा। अमृतसर में आए दिन लूटपाट की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका ताज़ा मामला सामने आया देर रात रंजीत एवेन्यू इलाके में, जहां 3 नौजवानों की ओर से एक जोमेटो की डिलीवरी बॉय से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में जानकारी देती हुई पीड़ित नौजवान ने कहा कि वह देर रात रंजीत एवेन्यू इलाके में पिज्ज़ा डिलीवरी कर वापस आ रहा था, तो इस दौरान 3 नौजवान झाड़ियों में से निकले और उन्होंने हथियार के दम पर उससे मोटरसाइकिल, मोबाइल और उसका पर्स लूटकर फरार हो गए, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दे दी है। पीड़ित नौजवान ने बताया कि उससे लगभग 2 लाख रुपयों की लूट हुई है। तो वहीं मौके पर पहुंचे थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एक जोमेटो कंपनी में काम करने वाले डिलीवरी बॉय से लूट की गई है। उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जोमैटो कर्मचारी ना प्रिंसिपल हैगा जी, उन्होंने दसा है कि उन्होंने जी बाइक हैगी खो हो गई है जी, तो वो उत्ते आप उन्होंने बयान लैके तो FIR रजिस्टर करके अगर कार्रवाई अमल में लिया रहे हैं जी। हाँ जी, इन्हें CCTV फुटेज वगैरह है जो आप एरिए दे खंगाल रहे हैं, अगर प्रोसीड कर रहे हैं जी। ये जालंधर के MBD न्यूपोलिस मॉल ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
इस अवसर पर एक लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। इस लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट का लोगों ने खूब लुत्फ उठाया, जिसके बाद एमबीडी मॉल के 12 वर्ष पूरे होने की खुशी में केक काटा गया। इस अवसर पर एमबीडी मॉल के प्रबंधन ने आउटस्टैंडिंग सेल के लिए मालिकों को सम्मानित किया। इस दौरान एमबीडी मॉल के सेल और मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट प्रभजोत सिंह ने बताया कि पूरे पंजाब में एमबीडी मॉल सिर्फ दो ही हैं, जिसमें एक लुधियाना में और दूसरा जालंधर में है, जबकि तीसरा एमबीडी मॉल बेंगलोर में निर्माणाधीन है, जो कि 3 से 4 वर्ष में पूरा हो जाएगा। तो वहीं एमबीडी मॉल में कुल 30 आउटलेट हैं, जिनमें मुख्य फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन और अप्रैल जोन है। उन्होंने बताया कि वे हर वर्ष कुछ नए ब्रांड संस्करण का एडिशन करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ आउटलेट आउटस्टैंडिंग सेल जनरेट कर रहे हैं, जिनमें डेकाथलॉन, डोमिनियन, पीवीआर सिनेमा प्रमुख है। इस मौके पर एमबीडी मॉल के मैनेजर गुरदीप सिंह और मॉल के सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रभजोत सिंह कह रहा है, मैं एमबीडी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ। आज के दिन एमबीडी मॉल न्यू कॉलेज जलंधर में 12 साल कंप्लीट किए हैं। इसके लिए मैं पूरे जलंधर वासियों को तहे दिल से धन्यवाद ते बधाई देना जी। सारे एमबीडी मॉल के ग्रुप के मैंबरस वालों सारे जी आया आकर एमबीडी मॉल जलंधर जोड़ा है वो लोगों की सेवा 12 साल तो करता आ रहा है, अगर भी करता रहेगा। असि हर साल नवे ब्रांड्स, हर साल नवे इवेंट्स, तो नवी तो नवी कुछ ना कुछ गेस्ट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिस कारण कस्टमर्स का मॉल के आना जाना लग्या रहे, तो कस्टमर्स वास्ते नवे तो नवे इवेंट्स के नाल नाल गिफ्ट एंड अदर एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। मॉल एनिवर्सरी तो बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं मॉल, इसलिए मैं सारे जलंधर वासियों को रिक्वेस्ट करता, इनवाइट करता कि एमबीडी न्यू कॉलेज मॉल आओ तो शॉपिंग करो। श्री गौरी शंकर मंदिर ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी बस्ती पीरदाद में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक देवकी नंदन दास गोकुल वालों ने उपस्थित भक्तों को कथा का रसपान करवाया। वहीं उन्होंने उपस्थित प्रभु भक्तों को बताया कि व्यक्ति इस संसार में केवल अपना कर्म लेकर जाता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। भाग्य, भक्ति, वैराग्य या मुक्ति पाने के लिए भागवत की कथा सुनी। इस मौके पर पंडित राजकुमार तिवारी, पंडित मनोज शास्त्री व संख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ये तीन काम जो करेगा उसको मृत्यु से कोई डर नहीं, मृत्यु तो आएगी, लेकिन उसने जीवन में जो कर लिया मरने के बाद उसकी दुर्गति नहीं, गति नहीं, सदगति हो जाएगी। और राजन, मैं आपसे यही कहता हूं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, न योग, न तप, न ध्यान, न दान, बस केवल भागवत कथा का श्रवण करो। इससे बढ़कर के जल्दी से जल्दी सदगति देने वाला कोई उपाय नहीं है, केवल भागवत कथा का श्रवण करो। जितने ऋषि मुनि वहां बैठे थे, जिन्होंने अलग अलग रास्ता बताया था, उन सब ने सुखदेव जी की बात का अनुमोदन कर दिया कि सुखदेव जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि भागवत कथा से बढ़ करके जल्दी सदगति देने वाला कोई उपाय नहीं है। तो सुनो राजन, भागवत मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि तो इससे बढ़ करके जल्दी सदगति देने वाला कोई उपाय नहीं है। और शंकर मंदिर की तरफ से 2018 से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती आ रही है। अब पंचम बरस आज है कथा का श्री गौर शंकर मंदिर के तत्वधान में। मैं पंडित राजकुमार तिवारी सभी भक्तों को सहयोग से मोक्ष कामना हेतु, जीवन के तारने हेतु, भारतीय संस्कृति के अनुसार पुराणों के प्रचार हेतु भागवत पुराण की कथा हो रहा है। बड़े लोग, सभी लोग तन मन धन से इस कथा का सहयोग करते हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप की बरामद। अमृतसर के थाना बी डिवीजन क्षेत्र में अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटों में सुलझाया, एक नाबालिग को किया गिरफ्तार। अमृतसर के थाना छरट्टा की पुलिस ने गत दिनों डिलीवरी बॉय से लूट करने वाले 2 आरोपियों को किया काबू, एक 32 बोर की पिस्तौल, 5 जिंदा रौंद, 6800 रुपयों की नकदी और एक मोटरसाइकिल किया बरामद।
इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।